फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे और अपने अपने घर पर होंगे। सो, जैसे कि हमने कल डिसाइड किया था कि अब से हम सीक्वेंस एंड सीरीज़ और स्पेशल फंक्शन दोनों बुक्स को साथ साथ करेंगे, और मैंने आपको बोला था कि मैं आपको स्पेशल फंक्शन का चैप्टर नंबर फर्स्ट स्टार्ट करवाऊँगी, बट अभी हम चैप्टर नंबर फर्स्ट स्टार्ट नहीं करेंगे। उसका रीज़न ये है कि अभी हमने सीक्वेंस एंड सीरीज़ का चैप्टर नंबर 3 इनडेफिनेट इंटीग्रल्स नहीं किया है, और जब तक उस चैप्टर को आप नहीं समझोगे तब तक आपको वो चैप्टर समझ में नहीं आएगा अच्छे से। आपके कॉलेज में हो भी रहा होगा तो आपको इजीली अच्छे से समझ में नहीं आ रहा होगा, आपको मुश्किल लग रहा होगा, वो इसी वजह से, क्योंकि अब तक आपने वो चैप्टर अच्छे से नहीं पढ़ा ही नहीं है चैप्टर नंबर 3 तो अब तक, क्योंकि फर्स्ट चीज इतना लेंदी है उसका, तो 3 तक पहुँचते बहुत टाइम लग जाएगा। इसीलिए मैं आपको अभी स्टार्ट नहीं करवा रही हूँ, आपको समझ में नहीं आएगा, कोई फ़ायदा तो है ही नहीं उस चीज़ का। और चैप्टर नंबर 7 बहुत ही इजी चैप्टर है। बेस्ड किस पे है ये? 5th और 6th पे बेस्ड है। आपने अभी दोनों चैप्टर्स रिसेंटली किए हैं, आपको सब कुछ याद भी है, फॉर्मूले याद भी हैं, तो भी आप इसको साथ साथ कर भी पाओगे। अगर मैं इसको बाद में करवाती तो आप तब तक 5th चैप्टर के सारे फॉर्मूलेज भूल चुके होते, तो बेटर यही होगा अभी हम अपना कंटिन्यू करते हैं 7th चैप्टर को। ये बहुत ही छोटा सा है और इजी भी है, आप खुद ही कहोगे कि बहुत इजी चैप्टर है ये, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर करेंगे, मैं मना नहीं कर रही, बट उसको बाद में करते हैं, पहले जो भी हमारा सिलेबस ईजी है और जल्दी कवर हो रहा है उसको हम कवर कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो, नाम से पता चल रहा है आपको चैप्टर नंबर 7 का नेम क्या है, यूज़ ऑफ लैपलेस ट्रांसफॉर्म इन इंटीग्रल इक्वेशंस, ठीक है। जो हमने अब तक ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ी उनको अब हम इक्वेशंस की फॉर्म में यूज़ करेंगे। देखिए, इंटीग्रल इक्वेशन दे रखा है, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ft इज इक्वल्स टू h(t) प्लस इंटीग्रेशन a to b fug ऑफ ut इंटू du इज कॉल्ड एन इंटीग्रल इक्वेशन। इंटीग्रल इक्वेशन क्या होगी? f(t) अगर किसके इक्वल हो ht के, प्लस साथ में इंटीग्रेशन हो, लिमिट्स हो, फंक्शन हो u का, g फंक्शन हो u और t दोनों का, और du हो, इस तरह की इक्वेशन को क्या बोला जाता है? इंटीग्रल इक्वेशन। यहाँ पे f of t हमें निकालना होता है, h और t हमें पता होता है, क्वेश्चन में हमें वैल्यू दी होगी यहाँ पे कुछ ना कुछ, g ऑफ ut की वैल्यू भी कुछ ना कुछ दी होगी। ये जो दो लिमिट्स हैं ये क्या हो सकती हैं? या तो कोई कॉन्स्टेंट वैल्यू हो सकती हैं, या फिर किसका फंक्शन होगी? t का फंक्शन होगी, और हमें इसकी वैल्यू को निकालना होगा, ठीक है। बड़ा सिंपल सा है। उसके बाद अगर हम इस इक्वेशन को किस फॉर्म में लिख दें? इस फॉर्म में लिख दें, h(t) प्लस इंटीग्रेशन a to b f(u)g(t-u। तो याद करो, ये इक्वेशन किसकी बन गई? कॉन्वोल्यूशन थ्योरम की इक्वेशन थी ना ये, अगर इसको हटा दें हम तो ये किसकी इक्वेशन थी? कॉन्वोल्यूशन थ्योरम की। तो ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को क्या बोलते हैं? इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ कॉन्वोल्यूशन टाइप। हम जो क्वेश्चन में यूज़ करेंगे वो कॉन्वोल्यूशन टाइप की ही यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद 3rd आती है, इंटीग्रेशन 0 से लेके t f(u)t-a^n du इज इक्वल्स टू gt। यहाँ पे क्या है? ये भी एक इंटीग्रल इक्वेशन है, और इसको कौन सी इक्वेशन बोलते हैं? एबल्स इंटीग्रल इक्वेशन, ओके। अब एक बात याद रखना बस, जब भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमें ये बात ध्यान रखनी है कि कॉन्वोल्यूशन को डिनोट किससे किया जाता है? ft इंटू gt। तो जो भी हमारे क्वेश्चन में गिवन चीज़ होगी उसको हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे? ft इंटू gt। बस एक यही बात इसमें याद रखने की है, बाकी बहुत ही ईजी है। आइए देखते हैं कि कैसे इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखो, ft ये ht का काम कौन कर रहा है? 1। लिमिट्स a to b की जगह कौन दे रखी है? 0 से लेके t। f(u) वहाँ पे क्या था? फंक्शन था g t और u दोनों का, तो यहाँ पे क्या दे रखा है? sin(t-u) du। और साथ में क्या लिख रखा है? कि आपके सॉल्यूशन को वेरीफाई भी करना, यानी कि आंसर को क्या करो? वेरीफाई भी करो, ठीक है। तो हमने इक्वेशन को एज इट इज लिख लिया। अब एक बात याद रखना बस, जो राइट हैंड साइड में हमें ये f(u) और g(tu) दे रखा है ना, इसको हमें किस में चेंज करना है? f(t) में इंटू g(t) में। किस में चेंज करना है? f(t) में इंटू g(t) में। तो यहाँ पे f(u) को किस में चेंज करना है? f(t) में। तो क्या आ जाएगा? सिंपली f(t) आ जाएगा इंटू sin(t-u) को किस में चेंज करना है? g(t) में, मतलब कि sin(t) में। बस ये करना है, कर दिया। अब सबसे पहला स्टेप क्या है? आपको दोनों साइड क्या लेनी है? लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन लेनी है। क्या लेनी है? लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन। तो f(t) की जब लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन करोगे तो क्या बन जाएगी? आपने फॉर्मूले पढ़े थे, क्या बन जाएगा? f(s) बन जाएगा। तो लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ f(t) क्या आ जाएगा? f(s) आ जाएगा। लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन किसकी करनी है? 1 की करनी है।
लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 क्या बन जाएगी, 1/s बन जाएगी, लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ टी क्या बन जाएगा, 1/s बन जाएगा, और लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन टी क्या बन जाएगा, 1/1s2। क्लियर है? अब एफ एस यहाँ पे है और इस वाली टर्म के साथ भी एफ एस है, तो इस टर्म को वहाँ ले जाओ तो क्या बन जाएगा, एफ एस माइनस एफ एस इंटू 1/1s2। दोनों में से एफ एस बाहर कॉमन ले लिया तो क्या बन गया, 1-1/1s2, और ये 1/s यहाँ पे एस्टिस था ही। अब यहाँ पे जब एलसीएम लोगे तो क्या टर्म आएगी, नीचे एलसीएम में आएगा 1+s2, यहाँ पे क्या आएगा 1+s2 और -1, ये कट जाएगा तो क्या बचेगा, s2/1+s2। और ये ऐसे हमें क्या निकालना है, एफ एस निकालना है, तो हमने एफ एस को यहाँ रखा और इस टर्म को वहाँ भेज दिया। इस टर्म को यहाँ भेजेंगे तो एस स्क्वायर नीचे आ जाएगा इसके साथ और ये टर्म ऊपर चली जाएगी। ठीक है, अब 1+s2/s3 बन गया, ये तो 1 के नीचे भी s3 लिख दिया और s इसके नीचे भी, देखो 1/s3 करोगे प्लस s2/s3 करोगे तो क्या बचेगा, 1/s बचेगा। अब क्या आ गया, एफ एस आ गया। अब क्या करना है, अब इसका इन्वर्स लेना है। अब क्या निकालनी है, इन्वर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म, तो दोनों तरफ क्या अप्लाई कर दो, लैपलेस इन्वर्स ऑफ एफ एस, यहाँ पे लैपलेस इन्वर्स एफ एस, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। ठीक है, एल ऑफ एफ टी अगर एफ एस होता है तो एल इन्वर्स ऑफ एफ एस क्या होगा, एफ टी होगा। ये फॉर्मूले होते थे चैप्टर में स्टार्टिंग में, लैपलेस इन्वर्स ऑफ 1/s3 किसके इक्वल होता है, t²/2 के इक्वल होता है, और लैपलेस इन्वर्स ऑफ 1/s किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो दोनों फॉर्मूले अप्लाई कर दिए, अब क्या आ गई, एफ ऑफ टी की वैल्यू आ गई। हमें क्या निकालना था, हमें एफ ऑफ टी ही तो निकालना था, तो एफ ऑफ टी की वैल्यू को निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो राइट हैंड साइड में फंक्शन है उसको एफ टी इंटू जी टी में लिखो, फिर लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर दो, एफ एस की जो लास्ट पे वैल्यू आएगी उस पे इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर दो तो एफ टी की वैल्यू आ जाएगी और हमारा आंसर आ गया। अब हमें क्या करना है, इसको चेक करना है, वेरीफाई करना है। ठीक है, कर लेते हैं। तो देखिए, अभी हमने ये एफ ऑफ टी की वैल्यू निकाली थी ना, एफ ऑफ टी की वैल्यू निकाली, वो क्या आई, t²/2+1। ये क्या है, इस क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड क्या है, ये पूरी टर्म। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड ऑफ गिवन इक्वेशन क्या है, एफ टी, और जो किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, और राइट हैंड साइड किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। ठीक है, अब राइट हैंड साइड में क्या है, एफ ऑफ यू साइन ऑफ टी माइनस यू। अभी हमने किसकी वैल्यू निकाली, यहाँ से एफ ऑफ टी की। एफ ऑफ यू निकालना हो तो क्या करूँगी मैं, 1+u²/t, ये तो करूँगी। तो यहाँ पे एफ ऑफ यू क्या आ जाएगा, 1+u²/t, और ये टर्म क्या रहेगी, एस टीज रहेगी। अब 1+ इसकी मल्टीप्लाई कर दो साइन ऑफ टी माइनस यू डी यू की, 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगी ये टर्म आ जाएगी, और इस टर्म की मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, u²/2 साइन ऑफ टी माइनस यू डी यू, ये कर दिया। अब इस टर्म का कर दो इंटीग्रेशन तो क्या आ जाएगा, कॉस ऑफ टी माइनस यू, लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके टी तक। ये क्या है, यू स्क्वेयर को तो बाहर ले लिया, ये सॉरी बाहर नहीं लिया, ये क्या है, दो फंक्शन है, दो फंक्शन का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से। फर्स्ट फंक्शन यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, अगर u और v है, इंटीग्रेशन करना है, dx है, तो क्या होगा, u एस टीज रहेगा, इंटीग्रेशन होगा v का, फिर आएगा dx, फिर माइनस ब्रैकेट आएगा, इंटीग्रेशन होगा किसका, du बाई dx का, और यहाँ पे इंटीग्रेशन होगा v का dx का, और फिर इस पूरी टर्म का इंटीग्रेशन होगा। ठीक है, ऐसे होता है। ओके, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से इसका इंटीग्रेशन कर रखा है, यू स्क्वायर को एस टीज रख रखा है, फिर इस टर्म का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, माइनस कॉस ऑफ टी माइनस यू अपॉन -1। फिर इंटीग्रेशन करना होता है किसका, पहले डेरिवेटिव करना होता है यू का, तो यू का डेरिवेटिव कर दिया तो वो लिख दिया यहाँ पे, फिर इंटीग्रेशन करना होता है वी का, और फिर पूरी टर्म का इंटीग्रेशन करना होता है। तो ये सब कुछ लिख दिया, और लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक अप्लाई कर दी, 0 से लेके टी तक। ठीक है, अब देखो यहाँ पे भी जब जहाँ जहाँ हमें क्या करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करनी है, तो जहाँ यू है वहाँ टी को पुट करेंगे तो क्या आएगा, कॉस ऑफ टी माइनस टी, यानी कि 1। साइन 0 0 होता है, और कॉस साइन 0 पे 0 वैल्यू होती है, और कॉस 1 पे 0 वैल्यू होती है, ऐसे होता है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, कॉस ऑफ टी माइनस टी, यू की जगह टी पुट करेंगे, कॉस ऑफ 1 बन गया तो ये 0 बन जाएगा, और फिर जब 0 पुट करेंगे तो क्या बनेंगे, कॉस ऑफ टी बन जाएगा। ठीक है, जब कॉस ऑफ टी माइनस टी करेंगे तो कॉस ऑफ 0 बनेगा ना, साइन 0 0 होता है और कॉस 0 1 होता है, तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। माइनस जब यहाँ 0 पुट करेंगे तो क्या बचेगा, कॉस ऑफ टी बचेगा। ठीक है, 1/2 एस टीज, यहाँ जहाँ यू है वहाँ टी पुट कर दोगे तो ये सब कुछ पुट करने के बाद ये वाली वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, 1+1 2 माइनस कॉस टी प्लस 1/2 टी स्क्वायर, ये क्या बनेगा, देखो टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस 2+2 कॉस टी। ठीक है, तो ये टर्म एस टी इज 1/2 टी स्क्वायर माइनस 2, यहाँ पे माइनस 2 था,
यहाँ पे माइनस टू के साथ मल्टीप्लाई में ज़ीरो था, तो ये टर्म ज़ीरो बन जाएगी, ठीक है। टी स्क्वायर बनेगा, माइनस टू बनेगा, प्लस टू कॉस टी बनेगा, और फिर दोनों में से टू को कॉमन ले लेंगे तो ये टर्म बच जाएगी आपके पास, ठीक है। क्या बचेगा, वन प्लस वन अपॉन टी स्क्वायर इंटू टी, और ये कॉस टी से ये वाला कॉस टी कट जाएगा, टू माइनस वन वन बचेगा, ठीक है, आ गया। अब देखो, अब हमने क्या निकाली, राइट हैंड साइड, हम क्या किसको सॉल्व कर रहे थे, राइट हैंड साइड को सॉल्व कर रहे थे। राइट हैंड साइड को सॉल्व करने के बाद क्या आया, वन प्लस वन अपॉन टू टी स्क्वायर, और लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया था तो क्या आया था, वन प्लस टी स्क्वायर अपॉन टी। तो यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को सॉल्व करने के बाद एक ही आंसर आ रहा है, इसका मतलब हमने अपना क्वेश्चन सही करा है, रिजल्ट वेरीफाई हो गया, ठीक है, क्लियर है, समझ आ गया। अब इसकी जैसा डिटो क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज में गिवन है, देखो एफ ऑफ टी वन सॉरी टी प्लस टू, और यहाँ पे क्या है इंटीग्रेशन में, वहाँ पे कॉस, वहाँ पे क्या था, वहाँ पे था साइन, और यहाँ पे क्या है कॉस है, यहाँ पे पहले दे रखा है क्या कॉस ऑफ टी माइनस यू, फिर क्या दे रखा है एफ ऑफ यू। ये क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे, इसके छः एग्जांपल हैं, हम तीन एग्जांपल करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और आपको भी तीन क्वेश्चन ट्राई करने हैं, साथ साथ कर लेना, इसको बहुत ही ईजी है, ओके। अब देखें सेकेंड क्वेश्चन, देखो सॉल्व द इंटीग्रल इक्वेशन एफ टी इज इक्वल्स टू वन प्लस टी इंटीग्रेशन जीरो से टी एफ ऑफ टी माइनस यू ई की पावर माइनस टू टू यू डी यू, ये था। तो एफ ऑफ टी माइनस यू को किस में चेंज कर देंगे, एफ टी में चेंज कर देंगे, और ई रेस टू द पावर माइनस टी टू यू है उसको किस में चेंज कर देंगे, इसमें चेंज कर देंगे, और दोनों मल्टीप्लीकेशन में। फिर क्या करना है, लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करनी है दोनों तरफ, तो लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी क्या हो जाता है, एफ ऑफ एस हो जाता है, वन का क्या हो जाता है, वन अपॉन एस हो जाता है, और लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी क्या बन जाएगा, एफ ऑफ एस बन जाएगा, और इसकी ट्रांसफॉर्मेशन क्या आएगी, वन अपॉन एस प्लस टू, इसके साथ भी एफ ऑफ एस है और यहाँ पे तो है ही, तो इस वाली टर्म को वहाँ ले जाएंगे तो क्या बनेगा, वन माइनस वन अपॉन एस प्लस टू बनेगा, ठीक है। और ये देखो वन माइनस वन अपॉन एस वन प्लस एस टू तो बनेगा, बट साथ में टू भी तो है, ये देखो एफ ऑफ एस इज इक्वल्स टू वन अपॉन एस प्लस टू अपॉन एस प्लस टू, और साथ में क्या है एफ ऑफ एस है, तो जब इसको माइनस करेंगे तो क्या बनेगा, एफ ऑफ एस माइनस टू अपॉन एस प्लस टू इंटू एफ ऑफ एस। अब एफ ऑफ एस को तो कॉमन ले लो तो क्या बनेगा, वन माइनस टू अपॉन एस प्लस टू। अब इसका जब एलसीएम लोगे तो एस प्लस टू को एलसीएम लो, ऊपर क्या आएगा एस प्लस टू माइनस टू, तो कट जाएगा एस पॉल एस अपॉन एस प्लस टू, ठीक है। हमें क्या निकालना होता है, हमें एफ एस निकालना होता है, तो एफ एस को यहाँ रखो, इस वाले टर्म को वहाँ भेज दो, तो क्या आ जाएगा एस प्लस टू एस से एस कट जाएगा, सॉरी एस से एस मल्टीप्लाई हो जाएगा एस प्लस टू अपॉन एस स्क्वायर। एस के नीचे एस स्क्वायर रखोगे क्या आएगा, वन अपॉन एस, और टू के नीचे स्क्वायर रखोगे तो टू अपॉन एस स्क्वायर। हमें क्या चाहिए था, एफ एस आ गया। अब क्या करना है, इन्वर्स अप्लाई करना है, तो लैपलेस इन्वर्स ऑफ एफ एस, लैपलेस इन्वर्स ऑफ वन अपॉन एस, लैपलेस इन्वर्स ऑफ टू अपॉन एस स्क्वायर। इसका क्या हो जाएगा, एफ टी हो जाएगा, इसका वन और इसका टू टी। अब यहाँ पे नहीं दिया हुआ कि इसको वेरीफाई करना है, तो हमारा क्वेश्चन यहीं पर कम्प्लीट होता है, हालांकि कितना तो छोटा सा क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही करने हैं। अब एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, थर्ड, देखो ये दे रखा है, अब इसमें फंक्शन मल्टीप्लीकेशन भी नहीं है, तो हम इसको खुद बना लेंगे, ये टी माइनस वन टी माइनस यू की पावर वन बाई टू है, ऊपर जाके क्या बन जाएगी, माइनस वन बाई टू बन जाएगी। बाकी सब एस टीज रखा, एफ ऑफ यू को किस में कन्वर्ट कर देंगे, एफ ऑफ टी में, और टी माइनस यू को टी में। देखो इसमें कन्फ्यूज मत होना, जैसे वहाँ पे क्या हो रहा था इन दोनों क्वेश्चन में, जैसे ये साइन ऑफ टी माइनस यू था तो क्या लिख गया था, साइन ऑफ टी लिख गया था, टी एफ ऑफ टी माइनस यू था तो क्या लिख गया था, एफ ऑफ टी लिख गया था। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास टी माइनस यू है, तो क्या लिख देंगे, टी लिख देंगे, और उसकी पावर माइनस वन बाई टू, बाकी टर्म एज इट इज़। अब क्या करना है, दोनों तरफ लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन लेना है, तो इसकी लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन तो एफ एस बन जाएगी, और इसकी क्या बन जाएगी, गामा की पावर वन बाई टू अपॉन एस की पावर वन बाई टू। ये आपके सिक्स चैप्टर में फॉर्मुलेस थे, अगर आपको लर्न होंगे तो आपको पता होगा, अगर नहीं है तो उनको लर्न कर लेना प्लीज़। यहाँ पे लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर दी, वन पे टू कॉन्स्टेंट था, टू को बाहर रखा, लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी माइनस लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी स्क्वायर। गामा की वैल्यू वन बाई टू पे क्या होती है, रूट पाई होती है, एस की पावर वन बाई टू का मतलब रूट एस। लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन वन अपॉन एस, टू एस टी इज लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी वन अपॉन एस स्क्वायर माइनस लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी स्क्वायर टू फैक्टोरियल बाय एस की पावर एन प्लस वन दैट इज थ्री, ठीक है। अब क्या करना है, अब इस रूट एस को वहाँ ले जाओ, जब इस रूट एस को यहाँ ले जाओगे तो क्या बनेगा, रूट एस अपॉन एस प्लस टू इंटू रूट एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस टू फैक्टोरियल अपॉन एस की पावर थ्री, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, रूट एस आ जाएगा। अब एस को मैं क्या लिख सकती हूँ, रूट एस इंटू रूट एस, तो इसको मैंने रूट एस इंटू रूट एस लिख दिया, तो ये क्या बचा, वन अपॉन रूट एस।
ठीक है, ये वाली पावर नीचे की क्या बन जाएगी, एस की पावर माइनस वन बाई टू, और एस स्क्वायर एज इट इज़ है, यहाँ पे माइनस टू फैक्टोरियल, ये नीचे आगे क्या बन जाएंगी, एस की पावर वन बाई टू और एस की पावर थ्री, तो एस टीज थाई माइनस वन बाई टू बन जाएगी। अब बेस ही मैं दोनों की तो पावर को कर दो ऐड, तो टू माइनस वन बाई टू, जब इसका एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, फोर माइनस वन दैट इज थ्री बाई टू, समझ में आ गई कैसे आया हुआ है। और यहाँ पे इसका एलसीएम लो माइनस वन बाई टू प्लस थ्री, यहाँ पे टू एलसीएम लो माइनस वन प्लस थ्री, टू आर सिक्स, तो क्या आ जाएगा माइनस फाइव बाई टू, ठीक है, माइनस वन प्लस सिक्स है तो फाइव बाई टू आ जाएगा। तो ये पावर ऐसे सॉल्व की गई है, इस रूट एस को इस सब के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए होता है, हमें एफ एस चाहिए होता है, इसके साथ रूट पाई में ही है ये, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारी एफ एस की वैल्यू आई गई है, तो क्या करेंगे, लैपलेस इन्वर्स ले लेंगे दोनों साइड। तो जब लैपलेस इन्वर्स लेंगे तो लैपलेस इन्वर्स ऑफ एफ एस क्या बन जाएगा, एफ टी बन जाएगा। तो इसको हमने ऐसे लिख दिया, लैपलेस इन्वर्स ऑफ दिस टू एज इट इज़, लैपलेस इन्वर्स ऑफ दिस माइनस लैपलेस इन्वर्स ऑफ दिस। अब आपको फॉर्मूला याद होगा कि लैपलेस इन्वर्स ऑफ वन अपॉन एस की पावर एन क्या होता है, टी की पावर एन माइनस वन अपॉन गामा एन फैक्टोरियल, तो वो फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई किया हुआ सब पे, क्योंकि सभी एस की पावर में है। तो गामा वन बाई टू गामा, ये मैंने आपको सॉल्व करना समझा रखा कैसे करते हैं फिफ्थ चैप्टर वाले वीडियो में, गामा इंटू गामा ऑफ एन, ये क्या होता है, एन इंटू गामा ऑफ एन प्लस वन करके सॉल्व होता है। तो वन बाई टू आगे आ जाएगा, अंदर वन बाई टू बचेगा, यहाँ पे फाइव बाई टू है तो थ्री बाई टू आगे आ जाएगा, फिर वन बाई टू आगे आ जाएगा, फिर वन बाई टू बचेगा। तो वन बाई टू तो एस्टिज रखेंगे, इसकी वैल्यू रूट पाई, इसको एस्टिज रखेंगे, इसकी वैल्यू रूट पाई, इस टू को ऊपर ले गए तो टू टू ज़ार फोर बन गया, ये भी फोर बन जाएगा, और ये भी ऊपर चला जाएगा तो फोर टू ज़ार एट बन जाएगा, एट बाई थ्री बन जाएगा, ठीक है। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें तो फाइव एफ टी की वैल्यू चाहिए, तो इस रूट पाई को सबके साथ मल्टीप्लाई भी कर देंगे, रूट पाई रूट पाई रूट पाई नीचे भी है और इस रूट पाई को ऊपर भी ले जाएंगे, इनको एलसीएम ले लेंगे रूट पाई को यहाँ से, तो क्या आएगा, टी की पावर माइनस वन बाई टू प्लस फोर टी की पावर वन बाई टू प्लस एट बाई थ्री टी की पावर थ्री बाई टू, ठीक है। तो यहाँ पे रूट पाई था, यहाँ पे क्या था, रूट पाई था हमारा, ये रूट पाई नीचे आ जाएगा ना, ऐसे देखो ये रूट पाई है, ये रूट पाई यहाँ पे लेके आएंगे तो नीचे आ जाएगा, और ये रूट पाई सब में एलसीएम भी है, तो रूट पाई इंटू रूट पाई क्या बन जाएगा, पाई बन जाएगा। तो एफ टी की वैल्यू क्या आ गई, वन अपॉन पाई डिस्टर्ब। अब यहाँ पे भी हमको इसको वेरीफाई नहीं कर रहा लिखा हुआ, तो हम इसको वेरीफाई नहीं करेंगे, आप अपनी सॉल्यूशन को चेक करने के लिए इसको वेरीफाई ज़रूर करके देख सकते हैं। कैसे करोगे, ये तो हमारे फंक्शन की लेफ्ट हैंड साइड आई है, क्या करेंगे, राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करेंगे साथ में, वन प्लस टू टी माइनस टी स्क्वायर, ठीक है। तो इसको सॉल्व करके देखना, दोनों अगर इक्वल आते हैं तो आपका आंसर ठीक है, बाकी इसमें नहीं लिख करके वेरीफाई करना तो आप मत करना, ओके। मैंने आपको करवा दिए तीन एग्जांपल, आपको क्या करने हैं, तीन क्वेश्चन करने हैं, बिल्कुल इजी है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, अगर आएगी तो पूछ लेना, ओके। अब तीन एग्जाम्पल रहेंगे, उसको करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और फिर ये चैप्टर देखो कंप्लीट हो जाएगा, बिल्कुल छोटा सा चैप्टर था और आपको इजी भी लगा होगा, मुझे ज़रूर बताना कि आपको चैप्टर इजी लगा या नहीं लगा कमेंट्स करके, ठीक है। So see you guys in the next video. Till then, bye bye. Take care. Keep watching. Keep studying.